एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट है हमारा एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। इसमें क्या है कि एक बैग है जिसमें लेमन कैंडीज हैं और मलिनी ने बिना उसमें अंदर देखे हुए एक कैंडी निकाल ली है। तो क्वेश्चन है हमारा कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि वो कैंडी जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो। लेकिन अब आप सोचोगे कि बैग में तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो ऑरेंज कैसे निकलेगी, राइट? बट द क्वेश्चन इज दिस काइंड ऑफ, हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, लेट टोटल कैंडी एक्स। अब टोटल कैंडी क्या है, लेमन कैंडीज है, राइट? प्रोबेबिलिटी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने क्या लिया, पी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इक्वल्स टू, उसमें आपका यहां पर नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आना है, राइट? बट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी देर इज नो कैंडी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जीरो। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आर एक्स, जो कि हमने अभी क्या कर लिया था, लेट कर लिया था, मान लिया था। सो आवर आंसर विल बी जीरो फॉर दिस। और सेकेंड पार्ट है आपका अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, एक्स, और टोटल कैंडी भी हमारी एक्स है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लेमन कैंडी अपॉन टोटल कैंडीज। तो टोटल नंबर ऑफ लेमन कैंडीज भी आपकी एक्स है और टोटल कैंडी भी आपकी एक्स है, सेम है। तो अगर ये दोनों कट हो जाएंगे तो वी विल गेट आंसर वन फॉर दिस। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। क्वेश्चन ढंग से देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहा है, वो थ्री स्टूडेंट है जिसमें से टू स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी, ओके, ना होने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखेंगे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है कि टू स्टूडेंट के सेम बर्थडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसका अपोजिट। तो हमने क्या ले लिया सॉल्यूशन में, पी ई बार। हमने ये बी बार साइन क्यों लिया, क्योंकि नॉट हैविंग बर्थडे, तो इसे हमने शो किया प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स टू 0.992। और पी ई मीन्स वो नॉट नहीं है, बर्थडे है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, हम इस साइन से करेंगे। नाउ वी नो द फॉर्मूला, पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू वन, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दैट। तो अब आपका आएगा पीई इक्वल्स टू वन माइनस पीई बार, तो आपका पीई इक्वल्स टू वन माइनस, और पीई बार की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.992। तो ये हमारा आ रहा है 1 माइनस 0.992 इज 0.008। इट मींस द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स विल हैव सेम बर्थडे विल बी 0.008। सो गाइस, दैट वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो अवर क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ बैग कंटेन थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड। आपको क्या गिवन है कि एक बैग है जिसमें कौन कौन सी बॉल्स है, रेड कलर की बॉल्स है, थ्री रेड कलर की और फाइव ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक रेड बॉल निकालने की। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 5 प्लस 3। यहाँ पे आपको 5 ब्लैक थी एंड 3 रेड थी, तो टोटल आपकी आ गई है 8 बॉल्स, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 3। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल,
और रेड बॉल है आपकी 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल आर 8. सो आवर आंसर फॉर दैट पार्ट इज 3/8. सेकेंड पार्ट है हमारा नॉट रेड. तो जहां पे नॉट रेड आता है, जहां पे नॉट और वो प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आपका आएगा पीई की वैल्यू अभी आई थी 3/8 प्लस पीई इनवर्स इक्वल्स टू 1. सो पी इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8. ये एलसीएम से सॉल्व होगा, एलसीएम आपका 8 आ गया है. तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 माइनस 3, इट मीन्स 5/8. सो द सेकेंड पार्ट आंसर विल बी 5/8. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble taken out of box random. What is the probability that the marble taken out will be red? क्या बोल रहा है वो यहाँ पे कि आपके एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, जिनमें से एक मार्बल रेंडमली लिया गया है. तो हमें किसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? रेड मार्बल की. तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 प्लस 8 प्लस 4 यानी कि 17. दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने थे? 5. तो 5 डिवाइडेड बाय 17. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर रेड. सेकेंड है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट. तो सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. सो व्हाइट मार्बल आपके पास कितने थे? 8. 8 डिवाइडेड बाई 17. थर्ड जो हमारा पार्ट है उसमें नॉट ग्रीन. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स. तो नॉट ग्रीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स. क्योंकि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल होगी तो हमने जो फॉर्मूला प्रीवियस में लगाया है PE plus PE inverse equals to 1, हम ये लगा के not green निकाल सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? सबसे पहले P green equals to number of green marble divided by total number of marble. तो number of green marble आपके पास 4 थे, तो ये आ गया आपका 4/17. And now we will put in the formula PE plus PE inverse equals to 1, 4/17 plus PE bar equals to 1. सो PE इनवर्स इक्वल्स टू 1, ये इधर जाके -4/17. और 1 -4/17 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? LCM लेकर 17 आपका डिनोमिनेटर आ गया है. 17 में 17, 17 -4/17, देन यू विल गेट योर आंसर 13/17. सो गाइस, दैट वाज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ